शुरुआ नाम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे व्हाट इज सेक्सिज्म सेक्सिज्म क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ सेक्सिज्म की बात करेंगे फेमिनिस्ट ओरिजिन ऑफ द वर्ड हाउ सेक्सिज्म वर्क्स वुमेन एज सेक्सिस्ट एंड द मैन मे ऑप्रेस्ड बाय द सेक्सिज्म पहले हमें जानना है कि सेक्सिज्म होता क्या है तो जब हम ये मान लेते हैं कि एक सेक्स जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है दूसरे सेक्स से पर्टिकुलर अगर हम मैन की बात करें मैन जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है वुमेन के कम्पेयर में और हम इस डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करते हैं हम कहते हैं कि नहीं भगवान ने इस डिस्क्रिमिनेशन को नेचुरल बनाया है उन्होंने ही इस डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई किया है तो ये कहलाता है सेक्सिज्म पर्टिकुलर डेफिनेशन की अगर हम बात करें सेक्सिज्म मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स और जेंडर और द बिलीफ दैट बिकॉज मैन आर सुपीरियर टू द वुमेन एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड अब कई बार इस डिस्क्रिमिनेशन का वुमेन को पता भी नहीं होता है और कई बार उसको पता भी होता है दैट इज़ ए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्योंकि वो एक सिस्टम में बंदी होती है वो सिस्टम क्या है दैट इज ए फैमिली दैट इज़ ए ऑफिस द ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन कैन बी इकोनॉमिक पोलिटिकली सोशल एंड कल्चरली तो ये चारों में हमें वूमेन का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है एलिमेंट्स ऑफ सेक्सिज्म की अगर हम बात करें सेक्सिज्म इंक्लूड्स द एटीट्यूड्स और आइडियोलॉजी इंक्लूडिंग द बिलीफ्स Theories, ideas that hold one group, usually male, as superior to the other, usually female, and that justifying oppressing members of the other group on the basis of their sex and gender. सेक्सिजम इन्वॉल्व प्रैक्टिसज अब हम कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे करते हैं जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन झलकता है कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं एंड द वेज़ इन विच द ऑप्रेशन इज़ कैरिड आउट फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन हमें फैमिली में देखने को मिलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड़िया का काम हम दे देते हैं फीमेल को फुटबॉल का क्रिकेट का काम हम दे देते हैं मेल को तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है कल्चरली स्कूल में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ऑफिसिज में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है पर्टिकुलर मैन ही डोमिनेट करते हैं ऑपरेशन एंड डोमिनेशन की अगर हम बात करें सो सेक्सिज्म इज ए फॉर्म ऑफ ए ये एक तरह का ऑपरेशन है और डोमिनेशन है किसी एक पर्टिकुलर सेक्स के ऊपर ऑथर जो है ऑक्टाविया बटलर वो एक फेमिनिस्ट है उनका कहना है सिंपल पैक ऑर्डर बुलिंग इज द ओनली बिगनिंग ऑफ द काइंड ऑफ हाईर्किकल बिहेवियर दैट कैन लेट टू रेसिज्म जब रंग का भेदभाव होता है सेक्सिज्म जब सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है इथनोसेंटिसिज्म जब एथनिक आइडेंटि से हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड क्लासेज हम पर्टिकुलर क्लास को देख के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं एंड ऑल द अदर इजम दैट कोज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड कुछ फैमिलिस्ट का कहना है कि जो सेक्सिज्म है वो एक प्राइमल कोज है ऑपरेशन का और फर्स्ट एंड फॉर्म ऑफ ऑपरेशन इन ह्यूमैनिटी एंड दैट अदर ऑपरेशन आर बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ वूमेन Feminist origins of the word, the word sexism, became widely known during the women's liberation movement of the 1960s. At that time, feminist theorists explained that the oppression of women was widespread in nearly all human society. Ki jo वुमन का ऑपरेशन है वो हमें ऑलमोस्ट हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता ही है एंड दे बिगेन टू स्पीक ऑफ सेक्सिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ ए मेल चावेनिज्म मेल चाविनिज्म होता है जब मेल अपनी ही बात करता है अपने डोमिनेशन की बात करता है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है वेयर एज मेल चावीनिस्ट वर यूजली इंडिविजुअल मैन हु एक्सप्रेस द बिलीफ दैट दे वर सुपीरियर टू वुमेन now women as sexist women can be conscious or unconscious collaborators in their own oppression if they accept the basic premises of sexism that men have more power than women we have already discussed about that because they deserve more power than women sexism by women Now, sexism by women happen against men वुट ओनली बी पॉसिबल इन ए सिस्टम इन विच द बैलेंस जब हम सोशली कुछ चीज़ें चेंज करेंगे पोलिटिकली कुछ चीज़ें चेंज करेंगे पॉलिटिक्स में हमें वुमेन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा तो वुमेन की जो स्थिति है वो सुधरेगी कल्चरली हम चेंजेस करेंगे इकोनॉमिक पावर में हम चेंजेस करेंगे तो वुमेन का जो डोमिनेशन है वो हमें देखने को मिलेगा वास मेजरबली इन देंड्स ऑफ वुमेन ए सिचुएशन विच डज नॉट एग्जिस्ट टू डे जो कि सिचुएशन हमें आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती है जिसमें वुमेन का डोमिनेशन हो मैन के ऊपर मैन में वी ओप्रेस्ड बाई सेक्सिज्म अब कुछ फैमिलिस्ट का ये भी मानना है कि सेक्सिज्म से सिर्फ वुमेन को नुकसान नहीं होता बल्कि मैन को भी नुकसान होता है मैन जो है वो उस सिस्टम में बंध जाता है और उसे उसी हिसाब से ही अपने आप को दिखाना पड़ता है कि वो एक मैन है और वो सुपीरियर है वुमेन से जबकि कुछ मैन ऐसा नहीं चाहते सो सम फैमिलिस्ट है शुड वी अलाइज इन द फाइट अगेंस्ट सेक्सिज्म तो सेक्सिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैन को भी साथ देना चाहिए बिकॉज मैन टू आर नॉट होल इन ए सिस्टम ऑफ And forced male hierarchies. So that was all over the sexism. If you like our video, please like, share, and subscribe. You can join the Telegram channel, Facebook page, and Instagram. Thank you.